अरे सिंचन क्या कर रहा मेरे भाई, जल्दी कर, हम लोगों को देर हो जाएगी यार। ऑलरेडी मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ, कहीं आंटी कहीं निकल ना जाए मार्केट के लिए। अरे फ्रैंकलिन भैया रुक जाओ, मैं आ गया। अरे मुझे छोड़ करके जा रहे थे क्या? आपको पता है ना मुझे भी आंटी के घर जाना है। अरे सिंचन मेरे भाई क्या करता है, तुझे पता है ना आंटी किसी भी समय मार्केट निकल जाएगी, अगर ऐसा हो गया ना तो काफी लेट हो जाएगी और पता है ना हमें पैसे भी नहीं मिलेंगे। अरे फ्रैंकलिन भैया, पर अगर हम लोग वहाँ पहुँच गए समय से तो हमें वो सारे के सारे पैसे मिल जाएंगे जो माइकल अंकल ने उनको दिया है। अरे हाँ सिंचन, इसीलिए तो जा रहा हूँ, एक बार यार वो सारे के सारे पैसे मेरे पास आ जाएं, उसके बाद मैं एक से एक बड़ी बड़ी कार और भाई पता नहीं क्या क्या खरीदने वाला हूँ आज। और फ्रैंकलिन भैया मैं तो सिर्फ चोको चिप्स खरीदूंगा, और हाँ जॉब के लिए दो चार हड्डियाँ भी ले आऊंगा। गाइस फ्रैंकलिन ने माफिया डॉन के ढेर सारे कार को बेच दिया था, जिसके कारण माइकल उसे सारे पैसे आज देने वाला था, और इसीलिए अपना फ्रैंकलिन सीधे अपने आंटी के घर जा रहा था। पर एक मिनट गाइस, अपने फ्रैंकलिन को ये नहीं पता था कि उसे वहाँ पर पैसे नहीं बल्कि कुछ और ही मिलने वाला है। ये खेल गाइस अब चालू हो चुका था, जिसमें अपना माइकल और ट्रेवर पहले ही फंस चुके थे, पर अपने फ्रैंकलिन को इन सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और वो सीधे अपने आंटी के घर की तरफ निकल पड़ता है। और रास्ते में फ्रैंकलिन की गाड़ी खराब हो जाती है, जिसके कारण उसे काफी समय लग जाता है यहाँ पर पहुँचने में, और देखते ही देखते ये रात हो जाती है। तो गाइस तुम्हें क्या लगता है क्या होने वाला है फ्रैंकलिन और सिंचन के साथ में? चलो गाइस देखते हैं, पर उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अरे फ्रैंकलिन भैया, हमें तो यहाँ पर आने में रात हो चुकी है, पता नहीं आंटी घर पे होगी कि नहीं। अरे हाँ यार सिंचन, चल जल्दी से चल करके देखते हैं आंटी घर पे है कि नहीं। अबे यार अगर आंटी घर पे नहीं होगी तो सारा काम ही बर्बाद हो जाएगा। आंटी किधर हो आप? अबे यार आंटी किधर चली गई? अगर वो नहीं रही ना तो सही में मेरे को घर लौट करके जाना पड़ेगा सिंचन, मुझे नहीं लगता आंटी यहाँ पर है। अरे फ्रैंकलिन भैया अब हम लोग क्या करेंगे, सारी मेहनत बर्बाद हो गई, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। अरे फ्रैंकलिन सिंचन क्या हुआ, मैं यहाँ पर हूँ। अरे आंटी आपको मैंने पूरे घर में खोज डाला और आप यहाँ पर बैठ करके टीवी देख रही हो। पहले ये बताओ कि माइकल ने जो ढेर सारे पैसे दिए वो कहाँ पर है? पैसे? अच्छा मुझे अब याद आया, माइकल ने बोला है कि वो रात के 12 बजे के बाद ही आएगा, तब तक तुम एक काम करो यहीं पर सो जाओ और कल जाकर के पैसे लेकर के चले जाना। अरे यार ये माइकल कभी भी कोई काम टाइम से नहीं करता, मैंने बोला था उसको कि पैसे यहाँ पर टाइम से पहुँचा देना, पर यार अब अपने पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। चल यार सिंचन आज की रात तो लगता है हम लोगों को यहीं रुकना पड़ेगा, चल आ जा, यहाँ किचन में भी तो कुछ खाने वाने को नहीं है। छोड़ो यार मुझे कुछ खाना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। चल आ जा सिंचन, अपन लोग चलते हैं सोने के लिए, हो सकता है तब तक आ जाए अपना माइकल। अरे फ्रैंकलिन भैया, पर माइकल अंकल ने तो फोन करके बताया था कि उन्होंने आंटी को सारे पैसे दे दिए, फिर आंटी झूठ क्यों बोल रही है? अरे नहीं सिंचन, वो मेरी आंटी है यार, वो क्यों झूठ बोलेगी, हो सकता है कि अपना माइकल ही झूठ बोल रहा होगा। छोड़ ना यार, आपके 12 बजे के बाद पता लग जाएगा, आप जल्दी से तू भी सो जा और मैं भी सो जाता हूँ। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया, पर मैं इस तरफ सोऊंगा, और याद रहे मेरा पेट खराब है तो मेरे गैस से बच करके रहना। ओए भाई मुझे तेरे बेड पे नहीं सोना है, मुझे याद है पिछली बार तूने कैसा गैस वैस छोड़ा था, यार मेरे को कहीं और सोना पड़ेगा। आंटी यार कोई और बेड नहीं है क्या? मैं सिंचन के साथ नहीं सोने वाला, उसका पेट खराब है। चलो यार सोने के लिए एक अलग से बेड तो मिला, अगर मैं सिंचन के साथ सो रहा होता ना तो आज तो भाई मेरी अर्थी निकलती यहाँ से। भाई साहब अब यहाँ सो जाता हूँ, काफी ज्यादा थक गया हूँ। गाइस अपना फ्रैंकलिन और सिंचन दोनों सो चुके थे, पर उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। आंटी इसी चीज का इंतजार कर रही थी कि कब फ्रैंकलिन और सिंचन दोनों सो जाएं, और वो एक बार जा करके दोनों को चेक करके आ चुकी थी कि फ्रैंकलिन और सिंचन सही में सो गए हैं कि नहीं। और जब फ्रैंकलिन के आंटी को ये पता चल गया कि ये दोनों सही में काफी अच्छी तरह से नींद में सो चुके हैं, तब आंटी निकल चुकी थी अपने काम को अंजाम देने के लिए। अरे यार ये किसकी डरावनी आवाज आ रही है, आखिर यहाँ पर कौन है मेरे बगल में? अरे नहीं क्या डीमन है? अरे बाप रे बाप! अरे यार अब मैं नहीं बचने वाला हूँ। अरे क्या हो गया सिंचन, क्या हो गया तुम्हें? अरे आंटी आप यहाँ पर क्या कर रही हो? अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर एक डीमन को देखा। अरे बाप रे वो कितना ज्यादा भयानक था। सिंचन मुझे लगता है कि तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा और इसीलिए तुमने मुझे ही डीमन समझ लिया।
अरे हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा। अरे यार, इतना डरावना सपना था कि मुझे बहुत जोर की टॉयलेट लग गई है। एक काम करता हूँ, मूत करके आता हूँ, पर अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं अकेले टॉयलेट जाऊँ। एक काम करता हूँ, जल्दी से फ्रैंकलिन भैया को जगा लेता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया चलो ना, मुझे काफी जोर की टॉयलेट लगी है। अरे सिंचन जाना यार, कहीं पर भी कोने में मूत दे, मुझे परेशान मत कर, सोने दे मुझे। अरे यार फ्रैंकलिन भैया तो उठ ही नहीं रहे, और मुझे काफी जोर से टॉयलेट लगी है। अब मुझे कंट्रोल नहीं होगा, मुझे जल्दी से जाना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, घर के बाहर चल जाता हूँ। बाहर तो चांदनी रात है, थोड़ा उजाला रहेगा तो मुझे डर कम लगेगा। हाँ यही सही होगा, मैं बाहर तो आ गया हूँ, बस मुझे कोई एक कोना देखना पड़ेगा जहाँ पर मैं आराम से टॉयलेट कर सकूँ। अरे बाप रे, आज की रात कितनी ज्यादा डरावनी लग रही है। मैं काम करता हूँ, जल्दी से टॉयलेट करके घर के अंदर चल जाता हूँ। यहाँ ज्यादा देर बाहर रहना इस खतरे से खाली नहीं है यार, पता नहीं कब कौन सा मॉन्स्टर मेरे पे हमला कर दे। बाप रे, कौन से जगह पे ले आए फ्रैंकलिन भैया, ये जगह हमेशा ऐसे ही खतरनाक रही है। अरे हाँ यार, यही जगह सही है, यहीं पर टॉयलेट कर देता हूँ। बाप रे, काफी जोर की लगी थी, अब जाकर के थोड़ा हल्का लग रहा है। अरे ये क्या, ये किसकी आवाज थी, मुझे जल्दी से जाकर के देखना पड़ेगा। मुझे लगता है आंटी की जान खतरे में है। अरे यार, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है आंटी है। आंटी आपको क्या हुआ, उठ जाओ आंटी। अरे नहीं, ये आंटी को लगता है किसी ने मार डाला है, मुझे जल्दी से जाकर के फ्रैंकलिन भैया को बताना पड़ेगा। अरे यार, मुझे लगा ही था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, मैंने जो सपना देखा वो कोई सपना नहीं था, बल्कि सही में यहाँ पर एक डीमन घूम रहा है जो कि ऑलरेडी हमारे आंटी को मार चुका है। अरे फ्रैंकलिन भैया किधर हो आप, जल्दी से उठ जाओ। एक मिनट, यहाँ पर कौन बैठा है, मुझे जाकर के देखना पड़ेगा। रे आंटी, आंटी आप यहाँ क्या कर रही हो, आप तो बाहर में मरी पड़ी थी, फिर आप यहाँ पर कैसे आ गई? क्या बोल रहे हो सिंचन, एक बार बोलते हो कि तुमने मुझे डीमन की तरह देखा और अब मैं मर गई। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जाओ और जाकर के सो जाओ जैसे फ्रैंकलिन सो रहा है। अरे यार, मुझे लगता है यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। फ्रैंकलिन भैया जल्दी उठो, फ्रैंकलिन भैया उठ जाओ, हमारी जान खतरे में। फ्रैंकलिन भैया कुछ तो बोलो प्लीज, फ्रैंकलिन भैया आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे यार फ्रैंकलिन भैया को क्या हो गया? सिंचन, फ्रैंकलिन सो रहा है और तुम भी उसी की तरह सो जाओ, नहीं तो मर जाओगे। अरे आंटी, आपकी आवाज इतनी भयानक कैसे हो गई? आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, कौन हो आप और आपने मेरे फ्रैंकलिन भैया के साथ में क्या किया है? फ्रैंकलिन तो मारा जाएगा जैसे उसने मेरे भाई को मारा था, बस एक कार के लिए। आंटी ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपको पता है ना फ्रैंकलिन भैया आपके कौन लगते हैं। अरे बाप रे, ये क्या, ये तो डीमन आ चुका है, मुझे यहाँ से भागना होगा। गाइस, अपना सिंचन आंटी के घर में चारों तरफ से घिर चुका था क्योंकि सारे दरवाजे बंद थे। तो गाइस, अब क्या होने वाला है अपने सिंचन के साथ में, और आखिर कौन है ये डीमन? गाइस, अगर तुम्हें ये सब कुछ जानना है तो इसका अगला पार्ट तुम्हें जरूर देखना चाहिए। पर आज के लिए इतना ही, होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। तुमसे मिलते हैं हम लोग कल एक और धमाकेदार वीडियो में।